तो भाई यहाँ हो चुकी है बहुत ही बड़ी गड़बड़। भाई हम लोग रास्ता भटक चुके हैं ऐसे रूट पे, क्योंकि मुझे लगता नहीं यहाँ से कोई जाता है। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है ना भाई, तो हमारी वाट लग जाएगी वाट। हे ऊपर वाले मदद करना, लेट्स टेक द रिस्क। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको आराम से लो, पेट्रोल है नहीं गाड़ी में और हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। चलो फिर कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा। तो भाई हमने एक्सप्लोर कर दिया है अनएक्सप्लोर्ड को। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मून में बाइक चला रहा हूँ। अरे भाई ये क्या है, ओए ओए ये क्या क्या मेरी मेरी वो। इस टाइम हम एकदम टॉप पे हैं, हमें चारों तरफ का 360 व्यू है। देखो भाई हम लोग इतनी हाइट में है ना कि जो ये व्हाइट पीक्स है ना, ऐसा लग रहा है कि एकदम हमारे सामने है। समझ रहे हो, ये ऊंची नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है एकदम सामने है हमारे। वाह जी वाह, इसका भी अलग मजा है भाई। गलती तो हमसे हुई लेकिन चलो अच्छी गलती हुई। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग किस पॉइंट में है, अगर लेफ्ट जाएंगे तो काजा पहुंच जाएंगे, काजा विलेज, और राइट जाएंगे तो हेकेम, कॉमिक और लांगजा, ये तीन जगह है। तो हम लोग काजा नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इस साइड राइट साइड टुवर्ड्स लिदांग विलेज, सो दैट हम ये तीनों की तीनों जगह जो है वो कवर कर लें, जो कि अपनी है कॉमिक, जो कि इंडिया का हाईएस्ट विलेज उसे कहते हैं, फिर हेकेम आएगा, वहां पे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, और फिर आएगा लांगजा, आई गेस वहां पे बहुत बड़ी बुद्धा की स्टैचू है। तो ये तीनों चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कवर करने के लिए। काजा से 15 किलोमीटर पहले ही एक रास्ता कट रहा है, तो हमने कहा चलो फिर ये तीनों जगह ही कर लेते हैं। बाकी ये पहाड़ देखो भाई, तो अभी हम लोग देखो वो टॉप है ना, जो वहां से क्रॉस करेंगे, अभी बहुत हाइट पे जाएंगे अभी हम लोग। और लेफ्ट साइड का व्यू देखो भाई, ये पूरी की पूरी वैली जाती है, यहीं से अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम लोग काजा विलेज पहुंच जाते हैं, जो कि स्पीति वैली का मेन डेस्टिनेशन होता है और हमारा भी है। बाकी हम लोग तो सर्किट करने आ रखे हैं, जो कि था शिमला टू काजा एंड देन काजा टू मनाली। अरे बाप रे बाप, जरा सामने का व्यू देखो भाई, पूरा बजरी का पहाड़ है। और अपने स्पीति में ना यही चीज पूरे उसमें कॉमन है, मतलब पूरे के पूरे डेजर्ट माउंटेन्स हैं, जैसे कि आप लोग को मेरे बगल में दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल डेजर्ट। और ऐसी जगह ना बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि यहाँ से ना शूटिंग स्टोन्स वो आते रहते हैं, मतलब पत्थर जो है ना वो लगते रहते हैं, तो ऐसी जगहों को जितना जल्दी क्रॉस कर लें उतना ज़्यादा बेटर है। तो भाई करीब अभी हम लोग 5-6 किलोमीटर चले होंगे, और हम यकीन नहीं मानोगे हमने इतनी ज़्यादा हाइट गेन कर ली है ना, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो भाई, मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी थी ना, जो आपको लोग को विलेज दिखाई दे रहा है, वो देखो वहाँ से एक रास्ता कट रहा है देखो ऊपर की तरफ, तो हम लोग ऊपर की तरफ कट गए थे, बाकी वो जो रास्ता है वो जा रहा है अपना काजा भाई। लेकिन देखो हम कितने ज़्यादा हाइट पे आ गए, और जो ये सामने की पीक्स है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमारे एकदम सामने ही है, पैरेलल एकदम। एंड जैसा कि मैं आप लोग को कह रहा था, जो कॉमिक है ना वो इंडिया का हाईएस्ट विलेज है, तो अराउंड 15,000 फीट, मतलब मेरे लिए मेरे ख्याल से पहली बार ही कर रहा हूँ मैं, ये करा होगा तो ट्रैक वगैरह करा होगा, लेकिन हाँ बाइक के साथ पहली बार। एंड अभी मैं नोटिस कर रहा था कि बाइक को भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। फ्यूल का तो भैया काजा में मिलेगा, यहाँ तो कोई फ्यूल नहीं है, पू के बाद, पू एक विलेज पड़ता है उसके बाद डायरेक्ट जो है काजा में है ना। बाकी हाँ यहाँ पे अपनी बाइक्स लगी हैं, एंड पीछे का व्यू तो खैर अल्टीमेट ही है। अरे बाप रे, अरे भाई साहब कितनी गहरी खाई थी यार, तभी यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, खतरनाक भाई खतरनाक। तो अभी मैं यहाँ पे बैटरी चेंज करने के लिए रुका था, और अभी हमको लगा था कि सोचो हम हाई जगह पर हैं भाई, लेकिन अभी हम लोग को वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे जाना है, अभी वहाँ से पहुँच के आप लोग को यहाँ दिखाऊंगा। वाह आज तो भाई 15,000 फीट के ऊपर जाने वाले हम लोग। अरे भाई ये क्या है, ओए ओए ये क्या क्या मेरी मेरी वो, ये तो कोई डियर है, वो बहुत सारे हैं हाँ। अरे भाई यहाँ देखो, यहाँ तो और भी सारे हैं, पूरी पूरी फैमिली है उनकी, देखो एक मेल है, बाकी शायद सारी सारी फीमेल है, जो हॉर्न वाले हैं वो मेल है, शायद कस्तूरी मेरे गए मेरे ख्याल से ना भाई साहब, क्या बात है यार, ये क्या दिख गया भाई गजब यार। तो देखो भाई थोड़ी देर पहले मैं ओ वहां पे था, मैंने वहां से आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाया था, तो वहां से देखो हम कितना हाइट पे आ गए। चलो भाई चलो, आज तो लग रहा है ये रास्ता हमें आसमानी छुआ देगा, अभी तो और ऊपर जाना, देखो वो गाड़ी देखो जा रही है आगे और ऊपर, भाई साहब पूरे पहाड़ के ना एकदम पीक पे पहुंचे हम, टॉप पे एकदम।
बताओ, जब हम बॉटम में थे ना तो एकदम बंजर था, अभी हम टॉप में आ गए तो यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत फूल वगैरह मतलब पौधे वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ये देखो झाड़ी वगैरह है, ये देखो भाई स्पीति की गाय। मैंने एक बात नोटिस करी, जो स्पीति में मैंने गाय देखी ना ऊपर से तो वो बहुत बड़ी है बट उनकी टांगे ना थोड़ी छोटी छोटी है, ये चीज मैंने नोटिस करी। बाकी नीचे देखो भाई कितनी सारी भेड़ वगैरह हैं, तो एक भैया हैं उनकी भेड़ है शायद, तो वो चरवा रहे हैं उन्हें भाई। और आगे ना एक स्तूपा आने वाला है, तो मेरे ख्याल से होपफुली उसमें हाइट लिखी होगी कि ये कितनी ज्यादा हाइट है, तो चल के देखते हैं। ये देखो भाई भेड़, देखो भेड़, पहाड़ी भेड़। और ये रहा वो स्तूपा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ओए होए होए क्या बढ़िया है यार, क्या बढ़िया है। अब यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बाइक्स लगाएंगे, थोड़ी देर यहाँ पे व्यू एंजॉय करेंगे। बाकी ठीक है, फिर हेलमेट वगैरह निकालते हैं एंड फिर मैं करता हूँ आप लोगों से बात। ओए होए होए भाई साहब फील है भाई, फील है। सही बात है, मिस जाता है अरे। जी फाइनली पहुंच चुके हैं इस पहाड़ के टॉप में, ये रहा स्तूपा। और बाप रे क्या हवा चल रही है यहाँ पे, बाकी यही हाईएस्ट पास है, इस रोड का हाईएस्ट पास है। बाकी अभी हम लोग जो चढ़ाई चढ़ी है एंड अब इसके बाद से ना ढलान स्टार्ट हो जाएगी, तो ये इस जगह का हाईएस्ट पास है। बाकी ये रहा वो स्तूपा एंड यहाँ पे ना हाइट मेंशन नहीं है भाई, बहुत तेज हवा चल रही है भाई, बाप रे बाप, हवा धक्के मार रही है धक्के। ओ भाई और देखो यहाँ पे रखा हुआ ये भेड़ों के सींग है देखो। बाकी ओवरऑल व्यू देखो भाई, इस टाइम हम एकदम टॉप में है, हमें चारों तरफ का 360 व्यू है देखो भाई पूरा का पूरा। बाकी ये खड़ी है अपनी बाइक्स एंड ये रहा अपना। तो भाई यहाँ पे तो कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये कौन सा पास है या कुछ है, बस यहाँ पे लिखा है विक्ट्री स्तूपा। तो अगर कोई कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं स्क्रीन में डाल दूंगा, बाकी हाँ किसी को पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अभी तक ना जितना भी रूट था वो पूरी चढ़ाई थी एंड अब यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे। बाकी ये मेरी लाइफ का पहला पास था भाई, मैं पास ही बोलूंगा इसको, अब वैसे तो कुछ मेंशन था नहीं लेकिन हाँ। हम लोग इतनी हाइट में है ना कि जो ये व्हाइट पीक्स है ना ऐसा लग रहा है कि एकदम हमारे सामने है, समझ रहे हो, ये ऊंची नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है एकदम सामने है हमारे। ये थोड़ा पागल है मैं, ओए होए भाई पीछे रह गया, वो पीछे रह गया मतलब वो रोड पीछे रह गया, कॉमिक का पीछे रह गया। हाँ। पीछे तो कुछ था ही नहीं। तो भाई यहाँ हो चुकी है एक प्रॉब्लम, नेटवर्क यहाँ पे है नहीं और ऑफलाइन मैप जो है कुछ गलत दिखा रहा है, तो पीछे जो भेड़ चला रहा था ना उससे पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ जाना है एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे दो रास्ते, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। अबे गायब हो गया भाई ये तो, कहाँ गया भाई, ना यहाँ भेड़ है ना वो बंदा है, कहाँ गायब हो गया इतनी जल्दी जल्दी पता ही नहीं चला। तो भाई यहाँ हो चुकी है बहुत ही बड़ी गड़बड़, गूगल मैप्स ने हमारा बना दिया है पागल और वो बंदा भी हो गया गायब जिसे हमें पूछना था। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो भाई फाइनली हम लोग को मिल चुका है रास्ता, देखिए संपर्क मार्ग कॉमिक डैमुल। तो यहाँ से भाई पर ये रास्ता बहुत ज़्यादा ऑफ रोड लग रहा है लेकिन ठीक है, इतना रिस्क ले सकते हैं क्योंकि वरना बहुत नीचे जाना पड़ेगा हम लोग को। बाकी जो स्तूपा था ना वहाँ हम लोग को जाना ही था, उससे पहले ही रास्ता कट रहा था भाई, लेकिन वो भेड़ वाला गायब खावा मैं तो ये सोच रहा हूँ, हजारों भेड़ थी हजारों, ना वो हमारी तरफ आया भाई गायब होगा लिटरली, तो नहीं कहाँ गया है। चलो चलते हैं, बाकी ठीक है भाई रिस्क ले रहे हैं, लेट्स टेक द रिस्क। हाँ वही तो मैं कह रहा आपको, आराम से रहो, पेट्रोल है नहीं गाड़ी में और हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा, बस आई जस्ट होप गाड़ी हमारी सही रहे, बाकी हम तो सह लेंगे।
हे ऊपर वाले मदद करना। वाह जी वाह, इसका भी अलग मजा है भाई। गलती तो हमसे हुई लेकिन चलो अच्छी गलती हुई, क्योंकि देख रहे हो भाई इस रूट पे मुझे नहीं लगता कोई आया होगा। तो भाई हमने एक्सप्लोर कर दिया है अनएक्सप्लोर्ड को। तो भाई हम अकेले नहीं है, अभी हमें इस रूट पे एक और गाड़ी दिख रही है, देखो थार खड़ी हो रखी है। तो ये भी मुझे लगता है गूगल मैप्स के सहारे इस रास्ते पहुंच चुके हैं। अरे भाई तो ड्रोन आ रहा है, नाइस। हाँ यार अच्छा लगा आपको देख के, हमें लगा हम बहुत गलत आ गए। और कितना किलोमीटर का पैच है? 17। भाई रास्ता तो बहुत ज्यादा खराब है भाई, बहुत ज्यादा खराब है। भाई ये तो कुछ डिफरेंट ही है भाई, देख रहे हो हमारे लेफ्ट साइड का व्यू देखो जरा, ऐसा लग रहा है न जाने कहाँ हम लोग जा रहे हैं। इट इज टोटली डिफरेंट, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मून में बाइक चला रहा हूँ। समझ रहे हो भाई, बहुत डिफरेंट टेरेन है यार, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। तो भाई यहाँ पे देखो किसी का घर है, यहाँ पे देखो भेड़ का देखो सर रखा हुआ है। ये देखो क्या स्टाइल से रखा हुआ है, वो देखो चूल्हा है, कोई रहता होगा पता नहीं, अभी हो सकता है कोई भेड़ चराने के लिए, हो सकता है कोई चरवाहा हो जो अपनी भेड़ चराने के लिए आ रखा हो। लेकिन भयंकर यहाँ पे कैसे रह सकता है कोई, और क्यों भाई आज तो हमने क्या कर दिया, मतलब वी जस्ट एक्सप्लोर्ड द अनएक्सप्लोर्ड, एक ऐसा रूट मेरे ख्याल से जहाँ से शायद ही कोई आता होगा। तो जिस रूट से हम लोग आए ना, तो वो डोम्यूल एक गांव है, वहां से एक रास्ता कटता है जहाँ पे वो स्तूपा था, उसी के आगे जाके एक गांव है जिसका नाम है डोम्यूल। तो वहीं से एक रास्ता कटता है जो कि ज्वाइन करता है हमारे द हाईएस्ट विलेज ऑफ इंडिया, या मेरे ख्याल से वर्ल्ड, आई एम नॉट श्योर, वहीं जाके पता करूंगा। लेकिन अभी हाँ इतना तो क्लियर है कि हाईएस्ट विलेज ऑफ इंडिया है कॉमिक। तो वो सामने जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, वही अपना कॉमिक है। लेकिन कसम से भाई क्या एडवेंचर था। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि कॉमिक का रास्ता काजा होते हुए भी जाता है, लेकिन वही मेन रूट है। एंड मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वही करना, अनलेस आप लोग को एडवेंचर पसंद हो। बट कीप दिस इन माइंड, अगर कुछ भी आउट ऑफ द प्लान जाता है इस रूट में, तो देन इट विल बी ओनली यू एंड योर व्हीकल, बस और कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। क्योंकि भाई पूरे रूट में ना सिर्फ एक या दो गाड़ी दिखी हम लोग को, वो भी हमारी तरह टूरिस्ट थे, तो किस्मत अच्छी रही तो मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं था, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। बाकी ये चेक करो भाई बाइक्स कहाँ लगी हुई है हमारी यार, इस तरफ इस टाइम हम चारों तरफ भाई देखो खुला एरिया है। हम वैसे उस पीक में भी जा सकते हैं, चलेगा बगल में ही है, ये स्टीप है, ये तुम्हें लग बहुत इजी रहा है, लेकिन बाइक से नहीं जा सकते। हाँ बाइक नहीं, पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि ऐसा ही कुछ लद्दाख में कई सारे शॉर्टकट हैं जो तुम्हें ललचाते हैं कि हाँ ले चलो। हाँ। पर बीच में रुक जाओगे और तुम वहीं से खिसकते नीचे आओगे। बाकी हाँ, बाकी वो रहा सामने अपना कॉमिक विलेज, तो वहाँ जाएंगे अभी हम लोग। थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुके थे, इस व्यू को एंजॉय करने के लिए रुके भाई। हाँ ट्रीट है, करीब 15,500 फीट। हाँ इतना फीट तो होगा आराम से, आराम से, क्योंकि मेरे ख्याल से कॉमिक की हाइट ही 15,000 फीट है। बाप रे बाप, तो हाँ उससे भी ऊपर है अभी हम लोग। लेकिन यार बेस्ट एक्सपीरियंस था यार। तो भाई आफ्टर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम ओवर देयर, हम लोग फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से टूवर्ड्स कॉमिक विलेज, जो कि वो सामने दिखाई दे रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए फिर लेके चलते हैं अब आपको इंडिया के सबसे ऊंचे विलेज में। बाकी अगर आप लोग काजा से आओगे तो देखो भाई ऐसी रोड मिलेगी आपको, और अगर हमारी तरह होगे तो एकदम कबाड़ा रोड। बाकी ये है भाई देखो, दिस इज द
हाईएस्ट विलेज ऑफ इंडिया भाई साहब, वहां पे ऑलरेडी काफी सारे बाइकर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओ तेरी, आई वॉज रॉन्ग भाई, आई वॉज रॉन्ग। दिस इज द हाईएस्ट विलेज इन वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। तो मैं गलत था, ये इंडिया का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है, हाईएस्ट। भाई साहब भाई, ये भी एक अचीवमेंट है अपने आप में कि ऐसे गांव में आना जो कि पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट लोकेशन पे हो। वाह भाई, गजब है भाई, गजब। बाकी ठीक है, मैं हेलमेट वगैरह निकालते हैं, बाकी फिर मैं करता हूँ आप लोगों से बात। तो जी फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके थे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट विलेज में, बाकी ये है इसकी पार्किंग एंड यहीं पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी है जहाँ भी अभी हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया चाय। एंड ये जो है ना, ये मॉनेस्ट्री है, विलेज जो है इसी मॉनेस्ट्री के पीछे के बैक साइड में, वो रहा विलेज, वहाँ पे लोग रहते हैं। आई डोंट नो ये कैसे सर्वाइव करते होंगे भाई, मतलब 15,000 फीट भाई, सांस फूल जाती है आम इंसान की। ये आ गई भाई हमारी वर्ल्ड के हाईएस्ट रेस्टोरेंट से वर्ल्ड की हाईएस्ट चाय। तो जी वर्ल्ड के हाईएस्ट रेस्टोरेंट में चाय वगैरह तो हमने पी ली, अब बस एक ही काम बचा था, वो है अपनी बाइक को यहाँ पे लगाने का। पीछे ये रहा बोर्ड, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड एंड इसको ऑल्टीट्यूड है 4,587 मीटर्स, जो कि अराउंड 15,280 फीट है। तो काफी ज्यादा हाइट पे है ये विलेज एंड इसी बोर्ड के पीछे ही अपना कॉमिक विलेज है, वो जो है मेन विलेज, क्योंकि ये है मॉनेस्ट्री यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा कॉमिक का ट्रिप होता है कंप्लीट। बाकी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स हेकिम, जो कि अगेन वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है भाई। आज तो सब कुछ वर्ल्ड का हाईएस्ट कर लिया भाई, वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज और वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि 5 बज चुके हैं और लांगजा शायद से हम लोग आज ना करें, हम लोग हो सकता है कल करें, क्योंकि यार लेट पहुंचेंगे, अंधेरे में कुछ मजा नहीं आएगा, क्योंकि देखो सन जो है थोड़ी देर बाद जो है वो सेट हो जाएगा पहाड़ों के पीछे, उसके बाद हो जाएगा अंधेरा, तो फिर फायदा नहीं है। तो देखते हैं हिकिम जाते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे वहां से काजा और लांगजा हम जाएंगे कल। बाकी चलिए चलते हैं यहां से हिकिम, जो कि 3 किलोमीटर दूर है भाई। भाई 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 क्या हवा चल रही है भाई, कसम से ना स्किन को फाड़ रही है हवा, इतनी तेज हवा चल रही है और ठंडी। तो भाई देखो यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड, आई लव वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। बाकी आप लोग को एक बार बताता हूँ, यहाँ से नीचे उतर गया ना पुराना पोस्ट ऑफिस था, यहीं बीच में कहीं इनके घरों के होगा, अभी हम लोग जा नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम लोग। बाकी यहाँ नीचे यहाँ पे पुराना पोस्ट ऑफिस है एंड यहीं से थोड़ा सा आगे जाके नया पोस्ट ऑफिस है, तो नया वाला दिखाते हैं आप लोग को। बाकी हमने भी यहाँ से पोस्ट अपने लिए ले लिए हैं, लेकिन मैं उन पोस्ट को पोस्ट नहीं करूँगा, मतलब कि मैंने पोस्ट ऑफिस में नहीं डालूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सुना यार वो पहुँचते नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने साथ उसको एज अ मेमोरी अपने साथ लेके जाऊंगा। अब पहुंचेगा नहीं तो वो ज्यादा दुख देगा। तो ये रहा जी अपना पोस्ट ऑफिस, ये नया बनाया अभी, ये देखो जी। तो ये है जी अपना पोस्ट ऑफिस जो कि अभी नया बना है, पहले वो मैंने जो आपको दिखाया था पुराना वाला वही एग्जिस्ट करता था, बाकी ये अभी नया बना है। तो भाई दिस इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, सामने आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये रेड कलर का एकदम, मतलब पोस्ट ऑफिस क्या बोलते हैं, लेटर क्या बोलते हैं इसको, लेटर पोस्ट लेटर, हाँ राइट राइट। तो यह सेम टू सेम ऐसा लेटर बॉक्स बना रखा है। बाकी चीज दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट का एंड अगर आपको लेटर पोस्ट करना होता है, सो दिस इज द प्लेस वेर यू पुट योर लेटर, बट हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि मुझे एज अ मेमोरी इसको लेके जाना है वापस। तो ये था अपना वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। बाकी अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं लांजा, पहले हम सोच रहे थे उसको स्किप कर रहे थे, बट नहीं, जब आए हैं तो अराउंड 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो सोच रहे हैं उसको भी कम्प्लीट हम लोग कर लेते हैं। तो जी आज ये भी देख लिया, बाकी चलिए चलते हैं लांगजा, वी आर ऑलरेडी रनिंग वेरी लेट। बाकी सन अब ना काफी नीचे चलेगी, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, अब थोड़ी देर में ना शायद से जब तक हम लांगजा पहुंचेंगे सन पूरा सेट हो जाएगा, और भाई जहां सनसेट हुआ, जहां सन की लाइट गई ना, यहां पे ठंडा होने वाला है बहुत तगड़ा, क्योंकि अभी हम शेडो में चल रहे हैं ना तो ही हमारे हाथ सुन हो रहे हैं। तो ठीक है फिर कोई बात नहीं, सह लेंगे, बार बार तो ये मौका मिलेगा नहीं, थोड़ा सहना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं सह लेंगे। बाकी फिलहाल चलते हैं अभी लांगजा। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लांगजा और मैं ना हेलमेट निकालने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी हवा चल रही है ना भाई, मतलब सर दर्द हो रहा है। बाकी ये खड़ी अपनी बाइक्स एंड ये है लांगजा की मॉनेस्ट्री एंड जो सबसे फेमस चीज है वो है सामने, वो आप लोग को बुद्ध का स्टैचू दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। ओ भाई बहुत ठंडा हो रहा है भाई। बाकी ये देखो अभी हम लोग को क्या दिखा है, आप लोग को फोटो दिखाई दे रही होगी ना, ये देखो
रात को अगर आओगे कैमरे के साथ तो ऐसा कुछ व्यू देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि गैलेक्सी ऑब्वियसली यहाँ से बहुत बढ़िया दिखाई देगी, क्योंकि ये है भाई बहुत बेस्ट एच हुआ है। देखो जी ये है अपनी लॉर्ड बुद्धा जी की स्टैचू, बहुत बढ़िया भाई बहुत ज़्यादा, बट हाँ बहुत बढ़िया जगह पर है, इसके चारों तरफ आप लोग देख सकते हो। मेरे ख्याल से ना जो सड़क जा रही है अपनी काजा की तरफ वहाँ से बहुत बढ़िया दिखेगी, क्योंकि जो फेसिंग है ना इसका, इसका उस तरफ फेसिंग है ऑपोजिट साइड, क्योंकि हम लोग वहाँ से एंटर हुए थे। यस तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं काजा। काजा पहुंचते पहुंचते काफ़ी अंधेरा हो गया था और ठंडा इतना ज़्यादा था कि मेरे गोप्रो की बैटरी डाउन और मेरी भी बैटरी डाउन, तो इसलिए मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं करी। बाकी अपने को रूम भी मिल चुका है, ये अपना रूम है कुछ जो कि पड़ा है हमें 1000 रुपये का। बाकी हम लोग 2 दिन यहाँ स्पेंड करने वाले हैं, क्योंकि कल हम लोग जाएंगे चीचम ब्रिज की मॉनेस्ट्री जो कि यहाँ की फेमस चीज़ है काजा की, तो काजा को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। एंड रूम के बाहर ही ना देखो भाई वो लगी हुई अपनी बाइक नीचे, वो देखो यहाँ मेरी है या उमेश भाई की है, और मेन रोड के जस्ट बगल में हम लोग को अपना ही जो है स्टे मिल गया था। बाकी ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी काजा के आसपास वाली। बाकी कल हम लोग करेंगे काजा को एक्सप्लोर, जिसमें होगी की मॉनेस्ट्री और चीचम ब्रिज जो कि काफ़ी फेमस चीज़ है। परसों सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से टू मनाली, तो यानी हम अपना पूरा सर्किट कंप्लीट करने वाले हैं शायद से, होपफुली अभी तक तो यही प्लान है, बाकी मौसम पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो ठीक है फिर इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, आपसे मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। ओ वीडियो कैसी लगी बताते हुए जाना कॉमेंट में, तो ठीक है बाय।